हो चुकी है दोस्तों हमारे आज के दिन की शुरुआत भाई चीता के साथ। भाई अपनी शुरुआत रुकी, चिंगू नीचे बैठा। भाई चिंगू आज गाड़ी में करेगा रेस्ट और भाई हम जा रहे हैं बाइक लेके निकलते भाई ऊपर पहाड़ों की ओर चलते हैं। देखते भाई वेदर कैसा। वेदर तो बहुत अच्छा है वैसे, आज चंडीगढ़ में जो वेदर है बहुत अच्छा भाई। फिर रात को बारिश हुई थी और फिलहाल अब देखते कैसा वेदर होता है पहाड़ों में, कैसा नहीं होता है। पूरे बैग बुक लेके जाएंगे भाई अपना, उसमें एक्स्ट्रा अपने क्लोथ वगैरह रखेंगे, चार्जिंग केबल वगैरह रखेंगे उसमें ताकि भाई हमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, और डॉक्टर वगैरह रखेंगे। और भाई निकलते हैं अब सीधा। अब फ्रेंड मेरा एक अमन नेकी है ना, नेकी को मिलते हैं उसके बाद बैठ के उसके GoPro की भाई सेटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद देखते भाई को पूछते कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो प्लानिंग करते हैं आगे पहाड़ों में जाने की। तो दोस्तों है ना, तो एक गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सारे बड़े होंगे, मजे में होंगे भाई, लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, करना भी चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ है भाई, इंजॉय करो मजे करो, काम की कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र मस्त मौज लाओगे घूमे भाई। एक जिंदगी है, पता नहीं साला क्या होना क्या नहीं। अब आज हम बात कर रहे हैं, कल का क्या पता, किसी का क्या पता है ना। तो भाई इंजॉय करो, हम तो भाई अब मैंने यही सोचा है जेब में अगर 100 रुपये हो ना तो 100 रुपये का इंजॉय कर लो। हम चलते हैं, अभी जाऊंगा पहले गगन के घर, उसके घर पे उसको नेकी को बुलाया हुआ है उसके, वहाँ करेंगे कैमरे की सेटिंग, GoPro इंस्टॉल वगैरह करेंगे हेलमेट में। अभी जाकर देखते हैं, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता, उसका सिर्फ फ़ोन आया था, उसने कहा भाई आ जाओ कैमरे की सेटिंग वगैरह करनी है। मैं कोई ना आते हैं तो दोस्तों चला जाए फिर है ना। लो जी भाई बाइक होगी अपनी 350 मीटर स्टार्ट, ये देखो भाई है खतरनाक। चलो भाई निकलते हैं अब राइट को, चल चल चलो चलो चलो, लाइटें किसी और की, जाता कोई और, वेरी गुड भाई। इंडिया में ये सब चलता है क्योंकि यहाँ रूल रेगुलेशन ना कोई फॉलो करने वाले ना पूछने वाले। रोनाल्डो निकल रहा भाई, रोनाल्डो जा रहा भाई, हमने आज रोनाल्डो को पकड़ ही लिया रोनाल्डो को। अब बच के कहाँ जा गए, ऑटोग्राफ दे दूँ इसको अपने रोनाल्डो को। करते आज के दिन की शुरुआत और निकलते भाई अभी 10 सेक्टर पहले, और उसके बाद नेगी के साथ मिलके प्लान करते भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आज उसने कहा भाई हम ले चलेंगे आपको, हमने कहा ठीक है भाई ले चलो। और भाई हमने बैग वूग टांग लिया, उसने चार्जर चूर्जर कपड़े कुपड़े भी डाल लिए उसने एक्स्ट्रा, ताकि कोई बारिश वगैरह हो तो भाई कोई प्रॉब्लम ना आए। और धूप देखो यार, बारिश तो चांस कम ही लग रहे भाई, धूप आ गई चोचक वाली। वो खड़ी भाई एक लंडी जीप ज़बरदस्त है, पैसे आए कभी तो उसको परचेज कर लेंगे, फिर कराएंगे मॉडिफाई, ज़बरदस्त वाली बात। और नाक में यार बहुत ही ज़्यादा भाई खुजली हो रही है, समझ नहीं आ रहा करूँ कैसे। वाइज़र इसका बड़ा टाइट सा है, ऊपर नीचे करो और भाई नीचे से लग करो तो भाई नीचे से जाने लगी है, हाथ ऊपर को नहीं जाता, समझ नहीं आ रहा भाई कैसे करूँ मैं। लग रहा है 10 सेक्टर पहुँच के खुजली करूँगा, तब तक तो यार खुजली का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, खुजली चले जाएगी तो खुजली कैसे करूँगा नाक के ऊपर। यार व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है भाई, और कैमरे की इस टाइम जो सेटिंग रखी ना अपना एक नंबर सेटिंग रखी भाई, अपने स्ट्रॉन्ग भी एक नंबर और हम भी एक नंबर और व्यू भी एक नंबर और कैमरे की सेटिंग भी एक नंबर। तो आ गया अपना पुराना कॉलेज, ये वाला दिख रहा भाई यहाँ को। इस कॉलेज के साथ भी अपनी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है यार भाई, पूरे 6-7 साल निकाले इस कॉलेज में हमने, और उम्मीद है दोबारा फिर आएंगे कभी जब ऑर्डर निकलेंगे। और यार पेड़ देखो यार दोनों साइड के, भाई क्या सेक्सी पेड़ है भाई, येलो येलो यार, येलो रेड। अरे एक्टिवा वाली बहना हमको जाने दो आगे, तुम फिर ब्रेकें मारते आते रहना। और एक और कॉलेज भाई, एक और कॉलेज आ गया गवर्नमेंट कॉलेज, एक पीछे निकला और एक अब आया। सरदार जी सीधा तुरी जा रहे हो यार, चंडीगढ़ में भाई रोड ही तो कामयाब है, रोड सेफ्टी और ट्रीज, ये तीन चीज़ें यहाँ पे फेमस है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे चंडीगढ़ में। और जी ये हमको नेगी जी मिल चुके हैं रास्ते में भाई, गगन के घर पे नहीं गए हमें, रास्ते में टाइप कर लिया हमने और वहीं से निकल पड़ा भाई आगे की राइड के लिए। चलो 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 चलते तो सही, थोड़ी देर वे भी ऑन है, चल पिछे बना। आ गया अपना ये एरिया जो दिख रहा है, यह खुड्डा लाहौरा है भाई, और यहाँ से हम जा रहे हैं बद्दी। बद्दी में भाई यार दोस्त का एक रिजॉर्ट टाइप का कुछ है, स्विमिंग पूल वगैरह, फिशिंग वगैरह करो वहाँ पे, वो सारा कुछ है।
और एरिया देखो यार मस्त भाई मस्त। और जो फीलिंग आ रहा ना भाई बाइक चलाने का, बहुत दिन बाद राइडिंग पे निकला हूँ यार। राइडिंग तो होती रहती है छोटी मोटी, बट लॉन्ग राइड कभी कभार। और सामने जा रहा अपने नेगी, और दोनों तरफ देखो यार ग्रीनरी, सामने जा रहा अपन के नेगी जी, नेगी जी के पीछे पीछे चल रहे हो, फॉलो कर रहे भाई हम नेगी साहब को। और ये देखो भाई बाइक के बाद भी स्टेलर बाइक है, सेम कलर अलग है वैसे इनका। सामने देखो भाई क्या खूबसूरती गुरुद्वारा यार, गोल्डन ऊपर से टॉप टॉप गोल्डन है भाई, बाकी वाइट है सारा। और ये फ्लाईओवर आ गया भाई न्यू चंडीगढ़ का। नेगी साहब कहाँ रह गए, शीशे में तो बहुत पीछे दिख रहे हैं, स्लो स्लो आ रहा भाई पता नहीं क्यों। नेगी साहब ही हमें लेके जाएंगे जहाँ भी लेके जाएंगे। दुबई पहुँच गया, दुबई दुबई बुर्ज खलीफा का भाई आ गया, सूर्ज मलीफा। अरे भैंस माता क्या देख रही है ऊपर को, खजूर खाना चाहती है क्या। और ये देखो भाई बुर्ज खलीफा का भाई सूर्ज मलीफा, दोनों है ना कज़न है इस करके, बुर्ज खलीफा सूर्ज मलीफा। और सामने देखो भाई ईंटों का भट्टा भाई ले लिया भाई हमने यहाँ से, राइट साइड को बद्दी वाली रोड हमने कैच कर ली है। और ये देखो अब जाएंगे भाई बद्दी, खुला डुल्ला एरिया भाई मस्त है एकदम से। और नेगी जी हमें फिर टक्कर के आगे, हमने नेगी जी को सारी कमान दे रखी है भाई आप चलाओ। होटल सभी थी खेत होते थे यहाँ पे, खेत ही खेत जंगल ही जंगल। और अब देख लो भाई प्रोग्रेस डेवलपमेंट, दबा के डेवलपमेंट है भाई अच्छी खासी वो भी। और ओवरटेक कर लेते भाई बस को, देखो भाई कुछ नहीं होता था, अब पंप पंप सब कुछ है यहाँ पर देख रहा भाई, ओवरटेक करते भाई बस को। और भाई यहाँ पे जंगली जानवर बहुत हैं, काफ़ी हद तक हमें मिल जाएंगे, मीन्स टू भी ये कि अपने हिरन हुरन ये सब, टाइगर टूगर नहीं, टाइगर यहाँ पे नहीं होता, टाइगर तो बस तुम्हारा भाई है और कोई नहीं है। बस वाले को ओवरटेक करना सफर भाई, गाड़ी आ रही है बहुत सारी, कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर लें क्या कहते हो, सला दो भाई। कर लिया हमने ओवरटेक खाली जगह देखते हुए, और बगा लिया बाइक जा रहा भाई 80 की स्पीड पे, फील ले लो भाई हाइट पे चल रहे अपन देख रहे हैं, वाह फुल नज़ारे भाई यहाँ की डेवलपमेंट चल रही है भाई। रोड यार क्या प्यारा बन गया, पहले कहाँ भाई यहाँ जंगल ही जंगल होता था। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है गगन, होटल सी गए, होटल सी गए ये, होटल सी गए जड़े आ नहीं है क्या, ये फ्लैट है भाई, बहुत डेवलपमेंट हो गई यार बहुत ज़्यादा। तैयार होके जाते हुए यहाँ वहाँ, अब ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। ओह माय गॉड जाम लग गया भाई जाम, हाईवे पे जाम, ये दिख रहा भाई पीछे पीछे कैसे आ रहे हैं, हाइट पे रुक गया ना ये। ओवरटेक कहाँ से करें, ट्रक आ रहे यार, नहीं तो हमने ओवरटेक कर लेना था यहाँ पर। खूबसूरत मंदिर है भाई, और मूर्ति भैरव है किसका, शिव जी के भैरव जी का पता नहीं भाई, थोड़ा तरफ पहाड़ियाँ यार। वो देखो भाई लेक देख लो भाई क्या सही है यार नज़ारे, ओए होए 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 भाई, ये देखो भाई लेक भी देखो लेफ्ट साइड में क्या खूबसूरत चीज़ है यार, ओए हो भाई फुल नज़ारा। कैमरा यार बंद करने का मन ही नहीं कर रहा यार, पूरा कहीं भी बंद करने का मन नहीं कर रहा। और क्या फील आ रहा बाइक चलाने में, अमेजिंग भाई अमेजिंग, ये होता है भाई देखो फीलिंग मस्त हो गए भाई। ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जा रहे होंगे शायद कहीं भाई मंदिर में मत्था टेकने है ना, और बड़े मज़े से बैठे यार, कोई टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं, प्यार से देख रहे भाई, देख रहे थे हमको ये आगे लगा क्या इनके हेलमेट के आगे, और इनको भी शायद पता लग गया होगा भाई यूट्यूबर ही है,
बटा मोड़, अब आया हुआ एक बढ़िया सा मोड़, ये कीचड़ वाला एरिया भी आ गया, शायद ऑफ रोडिंग भी आ सकती है शायद फील। भाई लिफ्ट मांग रहे, कहाँ बैठाए इनको, नेगी बैठा सकता था भाई। ओ देखो भाई क्या नज़ारा है उस साइड को, है ना, मैं कह रहा बाइक लेके अंदर ही बढ़ जाओ साला यहाँ, और फुल मस्ती भाई, फुल एंजॉय भाई। अभी इस राइड में इतना मज़ा आ रहा है, तो भाई जब लद्दाख जाएंगे और पहाड़ों में कहीं स्पीति स्पीति जाएगी तो कितना मज़ा आएगा भाई, तुम्हारा आवाज आएगा अपने स्ट्रॉन्ग को लेकर, और पीछे गगन को बैठा कर, गगन को नहीं बैठाना पीछे को, इसको कहीं भाई अपने बाइक में चल, क्योंकि भाई बाइक का मज़ा वैसे ही है, कल्ली कल्ली राइड करो बाइक पे और फुल मस्ती भाई, फुल मस्त। अब मोड है यार भाई, अब जिग जैग मोड हमको बहुत मिलने वाले हैं, कुछ तो मिल गए हैं। और भाई सुना था यहाँ पे राम रहीम जी ने बहुत तगड़ी ज़मीन ले रखी है यहीं पे, पर ये नहीं पता भाई कौन सी जगह है यहाँ पर, मतलब है बद्दी वाले रोड पर ही है। देखो भाई ट्रैफिक जिग जैग स्टार्ट हो गया, और सामने देखो भाई सिटी आ गई भाई, बद्दी सिटी आ गई है ना, सरदार जी ओवरटेक करते हुए और हम भी ओवरटेक करते हुए, और भाई दो भाई अपने ये जा रहे आगे एक्टिवा में। भाई राइडिंग के लिए ये नहीं चाहिए कौन सी बाइक चाहिए आपको, भाई कुछ भी हो बन जाती है, एक्टिवा चलन दो, कुछ भी चलन दो। और ये देखो भाई स्वाद आ रहा है भाई, पूरा स्वाद आ रहा है, सामने देखो यार पहुँच गए भाई बद्दी वाले रोड पर आ गए। ये देखो भाई ये आ गया भाई प्रॉपर, अब बद्दी वाला एरिया आ गया, अब नेगी जी को जाने दो आगे, ये चलेंगे आगे अगर हम करेंगे भाई इनको फॉलो। कीचड़ वाला एरिया आ गया हूँ, पहले एक बाइक को जाने देते हैं उसके बाद हम निकलेंगे भाई। गाड़ियाँ भी लहर आती ना वैसे कीचड़ की, वैसी सी लहर आ रही भाई, बुरे हाल भाई। बाइक घर जाके धुलवानी पड़ी कल संडे को, ओह बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। ओह फिर आ गई हाइट, आ गई भाई बहुत दबा के हाइट आ गई है, अब ये नहीं बताऊँ। ओहो नहीं नहीं भाई ने इधर को मुड़वा दिया, हाइट पे नहीं भेजा, बट भाई यहाँ भी हाइट है, वाह यार फुल मस्ती भाई, फुल नज़ारे। और दोनों भाई जा रहे हैं अपने, दोनों भाई जा रहे हैं अपने, वो देखो टोटल हम यहाँ जाना है वो वाला एरिया एक्चुअल में हमें मिल नहीं रहा है, थोड़ा बाकी अपना नेगी भाई कंफ्यूज हो गए थे किधर को जाना है, पर अब उन्होंने सही राह पकड़ ली भाई, द राइट वे उन्होंने कैच कर लिया है। अरे भाई गाड़ी कहाँ ले गया रहा अपनी साइड को, बहुत तेज गाड़ी इधर को ले गया था यार। ये देखो भाई ये भाई नहर रही वाली जो है, नहर रही है इस साइड को, और सूख गई है जो, जब कोई फ्लड फ्लूड आएगा फिर भाई नहर तो आएगी, और साथ में झुग्गियाँ वगैरह जो दे रखी यहाँ पे इनका भी हो जाएगा काम, फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा। आज की भाई वीडियो जो बनने वाली मेरे ख्याल से यार छोटे से बद्दी वाले ट्रिप में वीडियो अगर मैं जितनी भी काट पीट के बनाऊँ तो भाई 20-30 मिनट तो कम से कम बनेगी। और जब डार्क राइड जो निकलेंगे तो भाई मुझे लग रहा है लाख एक एक घंटा कवर कर जाएगा प्रॉपर। और ट्रक देखो भाई छोटा सा रोड आ गया, ओए ओए। और इधर देखो भाई खाई, ये देखो दूसरे गियर पे चला रहा हूँ और स्पीड है 20 की, और ये है भाई नज़ारे फुल अमेजिंग भाई, अमेजिंग वो जा रहा भाई नेगी। और देखो भाई हम पीछे पीछे यहाँ पे क्या व्यू है यार, ओवरटेक करता भी इसको थोड़ा निकलने देते हैं ताकि हम भी आगे हमें क्लियरली कुछ दिख जाए, और कुछ नहीं आ रहा है, अब भाग लेते हैं भाई। क्या नज़ारे यार भाई, हाइट आ गई एकदम से, पहले प्लेन एरिया है फिर पहाड़ी आई फिर प्लेन एरिया है फिर कीचड़ कुचड़ सब कुछ है और एकदम से हाइट आ गई, अब आ रहे भाई अब आ रहे असली पहाड़ों के नज़ारे। और दोनों राइडर्स अपने आगे आगे, और देखो भाई भाई मोरनी वाली फील आ रही है, मोरनी के जो है ना सेम ऐसे पहाड़ है भाई। ओहो ये तो भाई वाला रोड वैसा लग रहा है जैसे हल्दी घाटी जैसा, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। डिस्कस करते हुए कसौली की तरफ से आते हैं ना वो वाला, मेरे ख्याल से ज्यादा पास पड़ता होगा, कसौली से ज्यादा पास नहीं है। नहीं, ये रिजॉर्ट ये देखो जी
क्या व्यू है यार, हाइट आ गया भाई, ओहो खतरनाक हो भाई, बहुत बहुत मानता भाई इस बड़े मंदिर की। ये जो यहाँ से कुछ ले लेते हैं सामान को। लो जी क्या कुछ फोटो शूट वगैरह चल रहा है यहाँ पे, गगन बना रहा है और भाई नेगी खिंचवा रहा है फोटो, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। पूरा बद्दी सिटी देख लो यार, दिख रही भाई अमेजिंग। जूम पे लेते हैं थोड़ा कैमरे को और ये देखो इंडस्ट्री एरिया बद्दी सिटी वगैरह प्रॉपर भाई, नज़ारा फुल है। इंजन की होती ना भाई, इंजन की आवाज़ है थोड़ी पीछे कर रहे भाई, बाइक रोके थोड़ा रेस्ट। और ये देखो जी इधर को हम भाई यहाँ को पीछे आ गया ट्रक, नज़ारा फुल आ रहा भाई। अगर आपको व्यू हो कुत्ती बिल्ले की दोस्ती था देख ले, कौन आया तीजा आपस में लड़ रहा तुम, कुत्ते को रहन दे ना सीधे, और दंदी मार देवे किते थोड़ा बच्चा थोड़ा सा बच्चा एक बुर्जी वगैरह बना दो सारे प्यार करने लग गए ना, वो करना वो करा दूं एक बंदा हो जो भी है आ पड़ा हो रही है। ओ बिल्लो रानी, बिल्लो रानी अंदर दब के बैठी हुई है तुम्हारी ऐसी ही बैठी। ये क्या भाई जाइए यार, दोनों भाई दिख रहा भाई, ओए होए लोग जो भाई स्टीयरिंग ऐसे करते हैं साइड को स्टीयरिंग करे भाई, हैंडल लॉक करा भाई, और क्या खूबसूरत लग रही है। उधर भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो है? पानी गर्म, ठंड तो नहीं हो रही इतनी? नहीं नहीं मुर्गा मुर्गे के लिए। अच्छा छिलने के लिए, सही है। फिर सारे पंख निकल जाए, कौन सा देसी तो नहीं है ना? मुर्गे बहुत बड़े बड़े यार, देखो जी भाई आग जला रहा है। क्या नाम अपना? साहिल। साहिल भैया लगे हुए मुर्गा छिलने के लिए, आप पानी गर्म कर रहे हैं और क्या खूबसूरत लग रही बाइक है। उधर देखो कहीं भी जाओ गंदगी नहीं मचानी आपने, देखो क्या नज़ारा यार दिख रहा है, ओए होए भाई अमेजिंग भाई अमेजिंग। गंद आपने कहीं भी जाना है, कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं गिरना है, बट ये देखो भाई सब कुछ यहाँ गिरा भाई। मुझे लगता है पूरे हिमाचल का ये बद्दी साइड है, कूड़ा आके यहीं गिरते हैं ये। और ये देखो भाई फुल नज़ारे। लो जी अब अपना लंच टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो गया नहीं कि 5 बजे होंगे, 5 बजे लंच टाइम हो रहा है। देखो भाई मुर्गी अंडा 6 बजने वाले हैं भाई, फुल एंजॉय चल रहा है भाई। चिकन इतना टेस्टी बनाया, ऊँधिया चाट रहा है क्या मतलब, चिकन वहाँ बड़ा हुआ और ऊँधिया भी चाट रहा है, साथ साथ मजे ले रहे फुल। और देखो सारे भाई एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखो भाई, क्या सुंदर नज़ारा यार। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, आगे आगे चलो चलो आप चलो चलेगा भाई आगे। और नज़ारा देखो यार, ओए हो सनसेट होने को अभी टाइम बचा थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं थोड़ी देर में जाएगा फुल नज़ारा भाई। वो फिर तो देखो तेन दिख रहा वो बच्चा कितने, ओ देखो ओ सामने काले जे कपड़े पाए यहाँ देख कैमरे में दिख रहा कहीं कितने, तेन ओ देखो जी झाड़ी जी उ दिख रहे वो देख। एक साइड पहाड़ खाई और दूसरी साइड पहाड़, ऑफ रोड भी आएगा भाई लग रहा है, पैच आएगा पक्का ऑफ रोडिंग वाला, बहुत बढ़िया यार है भाई बद्दी सिटी है वो। ले क्या रहे हैं ये, ले रहे भाई सामान ले रहे कुछ खाने पीने का, ऑफ रोड पैच आ गया छोटा बहुत टूटा फूटा, कोई ना प्रैक्टिस हो रही भाई हमारी तो, आपकी प्रैक्टिस हमारी यहीं भी होगी बद्दी में आके, ये हमारे थ्रू नज़ारे ले लिए पहाड़ों के जो जो घर में बैठे हुए प्लेन एरिया में। अरे भाई गाड़ी में छोटा सा सरदार, प्यारा सा सरदार जी, बहुत खुश हो रहे हैं हमें देखकर, करता भाई भाई जी ने ओवरटेक दे दिया हमको, मौका दिया आगे निकलने का, पर अब माताएँ बैठे हुए हैं भाई, मुझे लग रहा मत्था टेक के आ रहे कहीं, कीर्तन वगैरह सब चल रहा है अंदर दिख रहा है।
वो भाई अपना इंजॉय कर रहे हैं और हम अपना इंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब क्या खतरनाक पुल है यार, ये देखो इधर भी और इधर भी भाई, क्या व्यू है यार, नज़ारेदार भी भाई, लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है भाई हमें यहाँ बद्दी में। भाई जाना गया समासा नहीं रहा, बहुत दूर आ गए भाई, नेगी भाई पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। ये देखो भाई सामने दिख रहा है खाई, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, और वो देखो भाई खतरनाक आया प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला पैच। कैमरा लग रहा है यार गंदा हो गया आगे से, मिट्टी मुट्टी ने चढ़ गई है, अभी साफ़ करता हूँ, साफ़ करा जाए, हाथों के निशान पड़ जाएंगे इसमें यार। ओहो फिर ट्रक भैया ने मिट्टी उड़ा दी है, क्या कर रहे थे देखते। देखो शाम हो गई भाई, शाम हो गई, सूर्य देवता लुप्त हो गए हैं, मैं जब ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो वहाँ सनसेट होते हुए, अदरवाइज तो भाई शाम हो गई। सामने वाले पहाड़ पे धूप है भाई, बढ़िया बहुत बढ़िया उमदा जा रहा भाई राइड करने का, बाइक चलाने का यहाँ पे सही है भाई। भाई ये रूट हम दिखा रहे हैं ना भाई बद्दी वाला, आज तक भाई ग्रांटेड है किसी भी यूट्यूबर ने ये नहीं दिखाया होगा आपको भाई, और ये रोड जाके मिलता आगे भाई सीधा अपना सोलन को, सोलन डिस्ट्रिक्ट में मिलता जाके यार। देख लो भाई कहाँ पहुँच गया हम, कहाँ से निकले थे कहाँ पहुँच गए, आगे बाइक वाला आ गया था भाई, और सनसेट भी होते हुए अपना सूर्य देवता जा रहे हैं अपने घर को, थक गए भाई आज, अब रेस्ट करेंगे फिर दूसरी कंट्री में जाएंगे, एंजॉय करेंगे वहाँ जाके, वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे अभी जाकर, इंडिया में इंडियन कल्चरल और वेस्टर्न में जाके वेस्टर्न कल्चरल। अपना ट्रक वाला भाई ओवरटेक नहीं करने दे रहा यार, और अलग ही व्यू आ गया भाई, जैसे जैसे जगह चेंज करते रहते हैं वैसे वैसे व्यू अलग ही आता भाई। अभी देखो सफ़ेदे वगैरह आ गए जंगल में, जंगल में सफ़ेदे कहाँ मिलते हैं यार बताओ, चंडीगढ़ वाली फीलिंग दे रहे भाई, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वगैरह वहाँ पे सफ़ेदे लगे हुए, और इन पहाड़ों में भी भाई सफ़ेदे लगे हुए। अरे भाई कहाँ को जाना अब समझ नहीं आ रहा है, नहीं कि भैया कहाँ को लेके जाओगे, चंडली सपाथू 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 भाई सोलन में सुना मैंने ये है, कहाँ को गगन के साथ सुनोगे भाई सुनोगे, तू आगे चला दे मैं बैठ जाता हूँ पीछे। ये देखो भाई सपातू कसौली ब्रोटी वाला छोटा सा ऑफ रोड पैच आ गया, और यहाँ से उतरेंगे भाई नीचे को, आए बहुत ही खतरनाक भाई बहुत ही खतरनाक, फर्स्ट टाइम यार ऐसे ड्राइव कर रहे हैं भाई, बड़ा डेंजर एरिया यार ये भाई, कहाँ कहाँ लेके जा रहे समझ नहीं आ रहा, और जो भी बनाया खतरनाक जगह में बनाया यार, दिख रहा है कैसा खतरनाक डेंजर एरिया यार भाई। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है गाड़ियाँ भी कामयाब हैं, 4x4 कामयाब है यहाँ पर, और या फिर अपने जैसे बाइक है, अंधेरा हो गया नहीं अजय। और ये देखो भाई खतरनाक भाई खतरनाक, क्या ही खतरनाक पैच है यार, चलते हैं भाई, छोटा सा रोड है और रोड़ियाँ वगैरह पत्थर वगैरह गिरे हैं, बाइक वैसे स्लिप ना करें, और आ गया भाई पक्का रोड आ गया। ओहो क्या चीज़ है यार, अब पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे ये, देखो यार समस्या नहीं आ रहा भाई, जैसे हमने स्टोरी सुनी थी सपातू वाली, कहीं ये वही ना स्टोरी बन जाए कि भाई यहाँ पे भूत और ये तो बहुत है सपातू में, पर है कहाँ भाई एरिया जाना हमने गए, सामने मंदिर भी है जय भोलेनाथ की, बहुत बढ़िया भाई बहुत नज़ारा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने का, और तो स्लो स्टडी विन द रेस भाई, स्लो स्लो चलो और रेस को विन करो। ओहो खतरनाक पैच। ओहो ये देखो हल्के हल्के थोड़े छोटे छोटे बटरफ्लाईज भी दिख रही है हमको, छोटी छोटी। और भाई हमारा गाइड चल रहा आगे आगे और हम चल रहे पीछे पीछे, जय भोलेनाथ की। देखो प्यारा सा खूबसूरत मंदिर, और ये देखो जी सामने देखो भाई मोर भाग गया, मोर दिखा भाई सामने भाग गया, अगर हम जितना उसके पास जाएंगे भाई उतना भाग जाएगा वो मोर, यहाँ ऊपर कुछ देगा कहीं वो रहा भाई दिख रहा है वो सामने किस मोर का, केड़ा काला बच्चा तेन क्या दिखी जाता है नहीं, वो और नहीं है सीधा कहाँ को जाना है,
चलो बच्चा खड़ा दिख रहा हाँ दिख रहा है दिख रहा है। लो जी भाई उत्थी जाना मेरे ख्याल से हाँ जेड़ा लाल बड़ा भाई मोर दिख रहे जंगली मुर्गे दिख रहे हैं वो देखो भाई जंगली मुर्गा भागा वो गया आगे निकल गया भाई निकल गया भाई निकल गया भाई जहाँ भी लेके आए भाई ये खतरनाक जगह लेके आए कहाँ गया भाग गया जंगली मुर्गा हाँ और वो क्या चीज है मोर नहीं है मुर्गा जंगली मुर्गा वो देख भाग गया सही है गगन यहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है यार भाई मज़ा आ रहा भाई इतना मज़ा आ रहा है भाई पूरे राइड का मज़ा नहीं है जितना इस राइड का मज़ा आ गया अपनी भाई खतरनाक खतरनाक रोड है भाई खतरनाक छोटा रोड मैं बड़ा खतरनाक रोड है डेस्टिनेशन अपनी आ गई है और भाई खतरनाक डेस्टिनेशन जो आई है एरिया तो बहुत बढ़िया है एरिया तो बहुत खतरनाक है अपना भाई जो मर्जी हो बहुत बढ़िया अरे देखो भाई खूबसूरत नज़ारा देखो वहाँ धुंध पड़ी भाई बादल आ गए ऊपर दिख रहे सामने यहाँ बादल है भाई पहुँच गए भाई फाइनली दिख रहा है एरिया जबरदस्त एरिया भाई जबरदस्त जो भी नेगी ले गया भाई हमारा अच्छी जगह ले गया पीछे टेंट वगैरह देखो और ये खड़ा हमारा 350 ट्रॉम और पीछे भाई फ़ोन पे बातें करता हुआ भाई 350 अपना खड़ा है एक्टिवा एक बाइक वो खड़ा हुआ है और ये देखो भाई फुल नज़ारा फुल दोनों भाई सैर करते हुए और इधर देखो भाई जगह तो भाई ख़तरनाक थी बहुत टाइम लगाने में जगह दिखाते हैं आपको भाई एडवोकेट संजय पटियाल गेस्ट हाउस टाइप का कुछ बना हुआ है ये देखो भाई ये विलेज मादेसर किशनगढ़ कसौली हैं कसौली कसौली के एरिया पड़ता है भाई ये डिस्ट्रिक्ट सोलर आई थिंक और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार ओहो हो खूबसूरत नज़ारा है अल्टीमेट भाई जो भी अपना भाई लेगा थैंक यू सो मच और नीचे भी एक रोड जा रहा है ये दिख रहा है भाई पहुंच गया आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक इसका कहाँ पर ये कहाँ पर नहीं है और देखो डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पे क्या क्या है तो भाई बताना तुम्हारा भाई टोपी में कैसा लग रहा है लो जी यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं लिमका भाई है हेलमेट और अपन का हेलमेट कहाँ है भाई अपन का हेलमेट चेक लेते हैं ये देखो भाई क्या खूबसूरत लग रहा है भाई प्यारा स्वीट हेलमेट लो जी ओ ओ ओ, ओ, ओ गिरने वाली थी कोक फुल नज़ारा भाई देखो नीली नीली लाइट ओ म्यूजिक सही हो रहा है यहाँ पे और नेगी जी अगर पचाई दिया पचाई दिया ऑफ रोडिंग भी हो गया टेस्ट हो गया ना अपना बाइक का सही हो गया अब मतलब लद्दाख जाने के लिए तैयार अपना बाइक है बुजुर्गों की यादें ये देखो भाई देसी उपकरण आज हम ट्राई करेंगे आज ट्राई करेंगे भाई खतरनाक है पर हमारे बस का नहीं है इसको खींचना पीछे बैठने के बाजी ये देखो यहाँ ये अपना हुक्का आ गया देसी हुक्का बाबा जी का विंटेज हाउस इधर देखो भाई विंटेज हाउस है भाई वाकई बैठेगा और छत देखो यार इसकी भाई ने जो भी बनाया ना बहुत बढ़िया रखी है संभाल के रखी है पुरानी लकड़ है दिख रही है आपको लकड़ी वाली ये देखो लकड़ पुरानी लकड़ और ये देखो भाई वैरायटी ऑफ बैट्स है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर सारा अली खान सबके भाई ये भी देखो सॉफ्ट बॉल के मेरे ना तो होती है बस बाकी तो सब ठीक है पहाड़ियाँ 1, 2 and 3 तीन पहाड़ियाँ भाई देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार और एक बार दोबारा भाई 0.5 पे लेते हैं नहीं यार ऐसे नज़र नहीं आ रहा भाई भाई की प्रॉपर्टी ये देखो भाई खूबसूरत यार अब भाई रात को वीडियो बनाने कोई फ़ायदा नहीं है है ना तो भाई मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको नज़र ही फिलहाल क्योंकि पता नहीं क्यों चिखे मार रहा भाई और देखो क्या खूबसूरत प्रॉपर्टी है यार
अल्टीमेट। अब भाई हमें दिख रहा है भाई गांव का चूल्हा, देखो आशीष भाई हमें दिखा रहे भाई देसी चूल्हा गांव का। रुको भाई होल्ड करो जरा, घर का देसी चूल्हा भाई उत्तराखंड हिमाचल में ही आपको ये सब देखने को मिले। क्यों आशीष भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और साथ में ये भी तो घर के देखो ना कॉन्सेप्ट अपना ही है भाई, ये भाई जी ने हमारे बड़े भाई जी ने बनाया ये देखो प्रॉपर सिस्टम से आशीष भाई की गाइडेंस में ये सब बनाया है ना। और किचन अपना घर का आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा आशीष भाई ये बढ़ता कहाँ पे अपना एरिया है? ये कुठियार जगह है। अच्छा के बैक साइड पे। ओके कुठार कहते हैं इसको। हाँ 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 बस वही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पा देंगे ना यहाँ का जो भी स्टे होम्स के नाम से है पटियाल स्टे होम के। देखो भाई क्या नजारा भाई यार, हमारी भी भाई गांव की यादें ताजा हो गई है बहुत पहले देखो। और ये भाई क्या बड़ा भड्डू, क्या बोलते हैं भड्डू? भड्डू बोला बोलते हैं भाई, बाकी तो पहाड़ों में पता नहीं क्या बोलते हैं। सही है भाई बहुत खूबसूरत है, आशीष भाई की निगरानी है। अरे भाई ये तो देसी किचन आ गया, किचन आ गया, इसमें सारा कुछ सिस्टमैटिक भी होता है। सही है यार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई जो मजा है, बहुत बढ़िया यार नज़ारा फुल है। और ये सारी वैली है, वैली दिखा वैली आपको ना, अभी हम नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे सवेरे दिखाएंगे मॉर्निंग में सनराइज होते हुए दिखाएंगे दिखता हमें यहाँ से या नहीं होता। और देखो भाई हरियाणा की गाड़ी खड़ी भाई के पीछे पीछे चलो भाई, आज तो नज़ारा फुल आएगा भाई, कंटेंट भर भर के मिल रहा भाई, भर भर के कंटेंट मिलेगा आज। ये हमें बच्चों के लिए टेनिस कोर्ट यानी फैमिलीज कुछ भी ले सकती, ये लॉन प्रॉपर आप खेल सकते हैं कुछ भी, यानी स्पोर्ट्स एनी स्पोर्ट्स हर एक्टिविटी है, साइकिल तक का है हमारे पास, साइकिलिंग करो। और इधर आ जाइए आपको स्विमिंग पूल दिखाते, स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा भाई ठंड में। स्विमिंग कौन कौन करना चाहता है बता देना भाई, कमेंट कर देना वही करे भाई। गर्मी आ रही है तो उसके लिए ये फॉर्म भराया जाता है यहाँ पे ना, बेसमेंट में भी अपना अच्छा पूल पार्टी है, ये सारी पूल पार्टी के लिए बनाया हुआ। यहाँ पे स्विमिंग पूल का फॉर्म भराया जाता है भाई, इसलिए भराया जाता है कि ठंड बहुत होती है, रिस्क भी अपना है ना। गर्मियाँ भी आती हैं अभी बस अभी पीक पे हैं। ये देखो भाई नेचुरल मिनरल वाटर, जो नेचुरल वाटर आता है वही भरेगा, लो भी नेचुरल वाटर आएगा पहाड़ों का यहाँ पे, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। ये गेट है हमारा नीचे गाड़ी पार्किंग एरिया आ गया, तीन रोड कनेक्ट होती है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वैली में है, सारे चिल के पेड़ है प्रॉपर। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया नजारा यार, ये लो जी ये बच्चों के लिए बनाया है, खुशी दिख रही है, ये नेचुरल चीज़ें ऊपर पानी साथ बह के आई है, कमाल है। और देखो ये वाला पानी, ये वाला पानी से इनको में भरते हैं, कमाल है, बड़ी खुश दिख रही है मेरे दादी, बोरी बहुत सारी है, कमाल बहुत बढ़िया यार उम्दा। नेगी भाई नु चलने ते लेके यार, नेगी भाई ओथे करो ओथे सर, मैं आपको इंटरव्यू देता हूं सर, बताइए। अच्छा नेगी जी पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए हमें आपका। मेरा नाम है अमन सिंह नेगी टोपाल नेगी, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और गढ़वाल में हमारी पूरी फैमिली डेंटिस्ट है, डॉक्टर है और आर्मी में। पहला इंटरव्यू तो मेरा हो गया, दूसरा इंटरव्यू ये हो गया कि आप हमें मिले 8 साल बाद, और इतना प्यार आज भी ऐसा लग रहा है कि 8 साल बाद नहीं मिले, ऐसा लगता है कि 8 मिनट अभी मिले, आठ मिनट मिले, सॉफ्ट बॉल खेलने के बाद हम आज ही मिले भाई। और सॉफ्ट बॉल का ये हमारे बहुत बड़े सीनियर है, ये ऐसे खेलते थे, इनकी उपाधि फिर मैंने उठाई, फिर इनसे बहुत कुछ सीखा है, हमसे कुछ नहीं सीखा भाई, कोचों से सीखा, हम तो खुद लटक लटक के खेलते थे। कि आज राइडिंग का हम दोनों का शुरू रखा है कीड़ा, तो धीरे धीरे हम अपनी इसी एक वो बना रहे हैं कि हम शुरू करेंगे, तो हम रिजॉर्ट में आए अपने साले साहब के, तो वहाँ पे रिजॉर्ट आप दिखा दो एक बार, उधर को कैमरा करके इधर को कैमरा। रिजॉर्ट मैंने भाई दिखा दिया था, रिजॉर्ट अभी दिखाने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा अंधेरा है ना, तो रिजॉर्ट को हम सवेरे दिखाएंगे। चलो ठीक है ना, ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है, आप कभी भी आओ कुछ भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का वेदर ऐसा था कि चंडीगढ़ में इतनी गर्मी थी कि हमें यहाँ ना पड़ा में थे, और यहाँ पर देख लो मेरे को, मैं राइडिंग जैकेट डाल के भी छीके मार रहा हूँ। फिटनेस को अगर देखा जाए, फिटनेस आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हो, तो देखो अपने अमन नेगी जी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, सवेरे जिम में शाम को साइकिलिंग, और उसके रूम देखो भाई सारा नीला नीला सा रखा है, और बाल देखो कैसे करोड़ सिंह जैसे बाल रखे हैं। नहीं यार फोन तो नहीं है, तो जन्म बढ़ते है ना इस नेटफ्लिक्स फोन तो नहीं है। और देखो भाई पूरा कमरा नीला नीला रखा भाई, बहुत थकावट रखी, सोते भाई खाना खुना खा लिया हमने,
और भाई अब करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भाई चैनल में नए तो बने रहिए। और होप सो भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके बता दें भाई कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी। चंडीगढ़ से अपना बद्दी और बद्दी से सोलन, है ना। तो चलो भाई करते हैं वीडियो को यहीं पे खत्म और नींद भी बहुत आ गई है। चलो भाई गुड नाइट, बाय बाय।